हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईटेल मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है, अब नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट या रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स या रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, फ़ोन का वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉक स्क्रीन का जो पैटर्न या पासवर्ड रहेगा उसे डालकर रीसेट कर देना है। इतना कर लेने के बाद अब हम बैक आते हैं। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, सेटिंग्स में आएंगे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है रीसेट। जैसे ही रीसेट लिखेंगे तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग या रीसेट वाईफाई एंड मोबाइल ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाएंगे, अब यहाँ से आसानी से रीसेट कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद अब होम स्क्रीन पर आना है और अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट या रिबूट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। फिर आप अपने फ़ोन में इंटरनेट चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।